हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे कार्डबोर्ड से न्यू वाले हैंगिंग क्राफ्ट। तो आज हम सबसे पहले कार्डबोर्ड लेके, जो आपके पास पुराना सूट हो या आप कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी अच्छे से अच्छा सूट हो आप उसे लेके बना सकते हैं। तो मैंने अपने पुराना सूट लिया है, तो उसमें मुझे ये वाला फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। अगर आपको ऐसा ही कुछ बनाना है तो आप अपने भी पुराने कपड़े या फिर किसी और पेंटिंग से ऐसे वॉल डेकोर बना सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कपड़ा लिया जो मेरे सूट का था, तो मुझे इसका कलर बहुत पसंद था, ये ऑरेंज और रेड में था, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी करते हैं कबाड़ का जुगाड़। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी भेजें। तो मैंने आधी रास्ते में ही बात काट दी। तो फिर इसके बाद देखिए मैंने कितना ईजी से तरीके से एक वॉल डेकोर बना के तैयार कर लिया। ये बनाना बहुत ही ईजी है, इसी को ये बच्चा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कैसा बनाना है। मैंने देखिए कितना सिंपल सा बनाया, इसे 2 मिनट में बनने वाले DIY सारे मिनी 5 मिनट क्राफ्ट। इसके बाद हम लोग अलग DIY की तरफ चलते हैं। अगले DIY में भी हमने कार्डबोर्ड लिया था, इसमें भी बनाना बहुत ईजी है। आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, इसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप ऐसे कुछ बना रहे हैं तो आप मेरे Instagram ID पे शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम Instagram ID अर्पिता रॉयल क्राफ्ट, तो और उस पर गणपति की फ़ोटो लगी है जो मैंने ही बनाई है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड DIY भी कितना ईजी, बहुत ही आसान है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कपड़ा कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। मैंने उसी का ही बेच लिया है, दूसरा कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की साड़ी की कुछ लेसेस मांगी थी, तो मम्मी ने मुझे साड़ी की लेसेस दे दी थी, जिसे मैं अपने अकॉर्डिंग लगाने की प्रोसेस करी थी। मैंने पहले सोचा ऐसे लंबा लंबा लगा दूँ ताकि ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन मुझे ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ अलग ट्राई कर लिया। देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। देख सकते हैं मैंने ऐसे तिरछे तिरकोना लगा दिया है। तो देखिए हमारे इसी दिन हमारा सेकेंड DIY भी तैयार हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड ले सकते हैं, उस पर लेसेस लगा सकते हैं, उस पर स्टोन वर्क भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। इसको बनाने इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ का यूज़ किया मैंने, क्लॉथ और कार्डबोर्ड एंड स्टेपलर। आप चाहे तो सुई धागा से सिल सकते हैं, फिर सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जैसा भी वॉल डेकोर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। आप अपने घर के कबाड़ से जुगाड़ बना सकते हैं, अपने घर के पुराने पुराने चीज़ों से भी ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपकी चॉइस हो, या फिर वेडिंग में ऐसे सारे सामान वेडिंग में भी यूज होते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है, अभी नवरात्र भी आएगा, फिर उसके बाद दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, इन सब चीज़ों पर अपने घर को इसको सजा सकते हैं। इसको सजाने के लिए बहुत ईजी है, ये सारे DIY 5 मिनट में बन सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि अगला DIY मैं कौन सा बनाऊँ और कैसे बनाऊँ। तो ऐसे अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मेरी मम्मी के ब्लाउज का लटकन था जिसे मैंने तोड़ लिया था, फिर इसके बाद इसको मैंने इसमें अटैच कर दिया। इसको भी अटैच करना बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने इसमें बिल्ट करना अटैच किया। आप चाहें तो इसमें ऊन का लटका सकते थे, या जो तिरछी मिर्छी लेस आती है उसको भी लटका सकते हैं, जो पूरा लेस का ही DIY बन सक जाए। जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी, बहुत ही यूनिक है। तो आप अपने घर को सजाइए और हमको दिखाइए।
सकते हैं हमारा सेकेंड ईयर भी बन के तैयार है। सेकेंड ईयर भी बनाने बहुत ईजी था, तो इसलिए ऐसे देखते हैं कितना सुंदर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बस कैमरे में पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन रियलिटी बहुत अच्छा लग रहा था। इससे मैंने बाहर भी ले जाके भी देखा था, उसमें भी बहुत सुंदर आ रहा था। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फोर थर्ड ईयर वाई की तरफ चलते हैं। थर्ड ईयर वाई की तरफ ने हमें सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले लिया, फिर उसमें स्टार शेप का स्टार नहीं चांद भी नहीं तारा हाँ चांद तरफ का काट लिया है। फिर उसके बाद कार्डबोर्ड में हम भी इसमें भी लेसेस का यूज करेंगे। अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेसेस यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो मैंने उसमें लेसेस यूज करी मैंने वही लेसेस इसमें भी यूज किए। इसको बनाना बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेसेस कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी सामान चाहिए जो हार्ड वर्क ना हो। थैंक यू।
हमारा थर्ड DIY बन के तैयार है। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके सबसे ज़्यादा कौन सा DIY आपको अच्छा लगा, और कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ स्केच के, और अपने स्क्रीन से कौन सा DIY बनाया उसको हमारे साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। जो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम।